ये एक ऐसी चीज है जिसको आई थिंक आप सबने 100% चेकआउट मारा होगा। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी व्लॉग्स। और ये है शनिवार की सुबह की चाय। और देखो टाइम क्या हो रहा है, अभी 8:30 और मैं उठी हुई हूँ 7:30 से, बिकॉज सैटरडे के दिन भी ये जो लड़की है ना, ये इधर इसकी छुट्टी नहीं है, इसकी स्कूल है। बेचारी सैटरडे को पहले मस्त लेट लेट उठती थी, क्लास चल रही है और वो भी मैथ्स की क्लास। सो सुबह सुबह उठना पड़ा सैटरडे को। हाँ, छोटी क्लास थी ना, तब बनाने की क्लासेस थोड़ा लेट स्टार्ट होती थी, अभी 8 o'clock स्टार्ट हो जाती है, तो मुझे अराउंड 7:15 उठना पड़ता है ताकि मानन्या को उठा के फ्रेश कर सकूँ उसको। सो या उसकी क्लास चल रही है, तो चलो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में ये चाय खत्म करके। मैं बना रही हूँ, यहाँ पे दही लिया है, थोड़ा सा मेथी दाना का पाउडर बना लूँगी मैं। आप मेथी दाना ओवरनाइट सोक करके भी रख सकते हो और फिर उसको पेस्ट बना के दही में डाल के फेस पैक, ये हेयर पैक बना सकते हो, पर मैं ये डायरेक्टली इसका पाउडर बना के इसमें डाल के 2 घंटे तक उसको सोक करूँगी, फिर बालों में लगाऊंगी। दोनों पैर साथ में आना, अनन्या की हो रही एक्सरसाइज। अनन्या को आज मॉनिटर बनाया, बहुत खुश है वो उसके गेम्स पीरियड में। 1 2 ओके। ग्रॉसरी का सामान जो हमारा क्वारंटाइन हो गया है, अमेजोन पैंट्री से मंगाया था, कुछ बिग बास्केट से आया था, 4-5 दिन रखेगा हमने सुभाष, 4-5 दिन ये सब है। और ये सबसे भारी, हम चावल कौन सा खाते हैं, आप लोग हमेशा पूछते थे कौन सा खाते हैं हम लोग, यस ये वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेन, लॉन्गेस्ट ही खाते हैं हम लोग बिरयानी बिल्कुल। ये थोड़े बहुत सामान हमने पहले निकाल लिए थे और ये थोड़े बहुत क्वारंटाइन हुए थे, ये सडन इनको सेट करना बहुत बड़ा टास्क है सीरियसली, क्योंकि सब इकट्ठे होते रहते हैं ना, इसीलिए मतलब आते रहे करते रहो तो टाइम नहीं लगता है। मोरी की दुकान और जीने की भी दुकान खोली मैंने गलती से, ये देखो एक ऑर्डर कर दिया था वापस डाल दिया, तो मैंने देखा नहीं 2 ऑर्डर हो गए, ये 500 ऊपर से यहाँ पे भी एक, तो मेरे पास जीने की भी दुकान है सुभाष मोरी की दुकान के साथ। नाश्ता हो गया है और वो मेथी दाना जो मैंने सोक किया था ना वो भी हो गया है अभी सोक, तो अभी वो मैं लगाने वाली हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा ये किचन जो है साफ कर लूँगी, पूरा हालत देखो। और यस, ये जो है ना ये गैस स्टोव, इसके बारे में ना मुझे बहुत क्वेरीज आती हैं कि मैं इसका लिंक शेयर करूँ, मैं अब तक शेयर नहीं कर पाई थी बिकॉज ये अवेलेबल नहीं था अमेज़ॉन पे, और ये अभी मैंने जस्ट देखा कुछ दिन पहले तो ये अवेलेबल है, तो मैंने इसका लिंक निकाल लिया है एंड वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। सो आप अगर चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, इस प्राइस रेंज पे दिस इज़ अ वेरी गुड दिस थिंग गैस स्टोव, देखने में भी बहुत सुंदर है और स्पेस भी बहुत ज़्यादा है 2 वेसल्स के बीच में। सो या आप अगर लेना का सोच रहे हो, सो दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। डाल दिया है चीकू, उसको करेंगे हम ओजनाइजर में थोड़ा साफ। वाली हूँ मैं जो मैंने सोक किया था ना कर्ड वो, और ये मेथी दाना का हेयर पैक, इसको ना 1 घंटे आप लगा लो बालों में, उसके बाद शैम्पू कर लो आप इसको प्रॉपर और वॉश कर लो, बहुत अच्छा है आपके स्कैल्प के लिए, डैंड्रफ हटाता है प्लस स्मूथ करता है बालों को, मॉइस्चर देता है जो कर्ड होता है वो। सो ये मैंने लगा लिया है, थोड़ा मेसी हो जाता है, आप इसके ऊपर यू नो एक शावर कैप टाइप या फिर पॉली बैग वगैरह लगा सकते हो, सो इट इज़ वेरी गुड। अब इतना तो करना पड़ेगा अच्छे बाल चाहिए तो। नहीं खा रहे, खा के दिखाओ, खा के दिखाओ। देखो जो बच्चे दूसरे फ्रूट्स नहीं खाते, आपको पसंद नहीं आते, देखो इन्हें को चीकू बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी वो खा रही है, बेशक वीडियो के लिए ही खा रही है, दिखाने के लिए ही खा रही है, लेकिन खा रही है। यही तरीका है इन्हें को कोई भी चीज खिलाने का। देखो देखो देखो, हाँ चीकू कितना हेल्दी होता है। और इन्हें की ड्रॉइंग चल रही है यहाँ पे, भगवान ही जाने क्या बनाती रहती है। टेल्स ऑफ लेडीबग एंड कैट नोआर, ओके टेल्स ऑफ लेडीबग एंड कैट नोआर। और खा रही है अनन्या साथ में
चीकू है ना, पूरा खत्म करके दिखाएगी ना अनन्या। मेरी बाबा गेट मार के थ्री फॉर्म खा लो, पहले खा लो फिर बात करेंगे। तो चलिए करते हैं लंच की प्रिपरेशन। कड़ी बनेगी तो दही ले रही हूँ मैं पहले, इसमें डालूंगी बेसन। दही में बेसन डाल के घोलने से ना बेसन के लंप्स नहीं बनते, इसलिए थोड़ा सा बेसन डाला है, उसको घोल लेंगे। तो मैं डाल रही हूँ बटर मिल्क। तो मैं जो घी बनाती हूँ ना उसका जो पानी होता है, जो बटर मिल्क होता है, बचा लेती हूँ, उसको इसमें डाल रही हूँ। आपके पास नहीं होता पानी डाल। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। डालूंगी लाल मिर्च, हींग, ये आपका साबुत सरसों, साबुत जीरा, अनियन, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन कुटी हुई, ये दो स्लेट हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया पत्ता, इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला, टमाटर। तो यहाँ पे मैंने आलू और प्याज चॉप कर लिया है, कच्चा आलू लिया है मैंने, इसके पकौड़े बनाऊंगी। मसाला फ्राई हो गया है, इसमें मैं घोल डाल दूंगी पानी। उसको हम पकने के लिए छोड़ेंगे कम से कम 45 to 50 minutes। कड़ी अच्छे से पक गई है, इसमें एक लेयर आ गया है। अब मैं इसमें पकौड़े डाल दूंगी, मुझे सॉफ्ट पकौड़े पसंद है, इसलिए अभी डाल के मैं इसको 5 मिनट और उबालूंगी। अगर आपको ये ना थोड़ा क्रंची वाले अच्छे लगते हैं तो फिर आप सर्व करने से पहले फिर आप पकौड़े डाल सकते हैं। सो फाइनली इसको मैं थोड़ा सा गार्निश करूंगी धनिया पत्ते के साथ। सो 5 मिनट उबाल के इसको बंद कर दूंगी। तो फ्रेंड्स लंच हो गया है और देखिए मेथी दाना और ये लगाने के बाद बाल इतने स्मूथ स्मूथ और सॉफ्ट सॉफ्ट फील होते हैं ना। ट्राई करके देखिए, थोड़ा मेसी हो जाता है बट देन इट्स वेरी नाइस। तो चलो अब मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ओके सो फ्रेंड्स फाइनली वो टाइम आ गया है जब मैं आपको बताऊँ कि इसमें ऐसा क्या था जो मैं और सुभाष इतने एक्साइटेड हो रहे थे। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आई थिंक आप सब ने 100% चेकआउट मारा होगा, काफ़ी लोगों ने शायद ले भी लिया होगा। हम भी यू नो पिछले साल से इसको देख रहे थे कि लेंगे लेंगे लेंगे, फाइनली वी गॉट अ हैंड्स ऑन दिस। हाइप क्रिएट करना बनता है। एक बार मैं खोल के आपको दिखाऊंगी ना कि इसमें क्या है, तो आपको डेफिनेटली आप अग्री करोगे कि भाई इतना हाइप तो क्रिएट करना बनता था इसके लिए। सो लेट मी ओपन एंड शो यू कि इसमें क्या है। दिल थामिए। टड़ा 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 टड़ा। उप्स खाली। सॉरी सॉरी, जस्ट अ जोक। ओके, वो हमने 2 दिन पहले निकाल लिया था इस बॉक्स से, बट बिकॉज आपको मुझे थोड़ा सा परेशान करना था, सो जो था वो है इधर। लेट मी शो यू शो यू शो यू। यस दिस वन। और ये क्या है, डायसन का V11 एब्सोल्यूट प्रो। ओ माय गॉड, मैं बता नहीं सकती। मैं और सुभाष ने इसके इतने रिव्यूज पढ़ लिए थे, इतना सब कुछ कर लिया था, लेंगे लेंगे, फाइनली ये हमारे पास आ गया है। सो यूज़ करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। एब्सोल्यूटली वर्थ द मनी लगा मुझे। अगर आप पैसा थोड़ा स्पेंड करना चाहते हो, आपका बजट इतना है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस। और मैंने इसको डब्बे में वापस डाल दिया, मैंने इसको अनबॉक्स किया था, उसका मैंने शॉट लेके रखा है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि अगर आप लेना चाहोगे तो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, जैसे मुझे भी बहुत रिव्यूज़ ने हेल्प किया है। सो दैट विल हेल्प यू। प्लस थोड़ा दिखाना तो बनता है ना यार, इतना महंगी चीज़ है, इतना तो बनता है, थोड़ा टाइम देना इसको। सो मैं भी आपको ना इसके सारे पार्ट्स, क्यों इतना कॉस्टली है ये, इतना प्राइस हाई क्यों है, इसका क्या वर्थ इट है, तो मैं आपको दिखाती हूँ सारा कि इसमें क्या क्या यू नो पार्ट्स वगैरह हैं और उनको कैसे यूज़ करना है या फिर ऐसा क्या है ये। सो लेट मी जस्ट शो दैट। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद दिस, जिसको हम कहते हैं वैक्यूम हेड। यही है पूरे मशीन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें एक इनबिल्ट डस्टबिन है, सारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, साइक्लोन टेक्नोलॉजी जो होता है ना वो है इसमें। यहाँ पे छोटे छोटे साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं, जिससे इतना पावर आता है इसमें कि बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट जो हिडन पार्टिकल्स होते हैं ना कारपेट के अंदर, जो आपके मैट्रेसेस होते हैं उसके अंदर, उसको भी बहुत ज़ोर से पुल करके बाहर निकालता है ये। तो इसीलिए इसका इतना प्राइस है, बिकॉज मैंने अपना कारपेट किया, मैंने अपना मैट्रेस किया, मतलब मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मतलब इतना मिट्टी कहाँ था। सो बेसिकली जो भी हिडन मिट्टी है ना, जो भी है, आपको डस्ट से एलर्जी है, कुछ प्रॉब्लम है डस्ट से आपको, जैसे मुझे आपको पता है काफ़ी ड्राई कफ होता है मुझे डस्ट से, सो दिस इज एब्सोल्यूटली वंडरफुल। इसमें मल्टी स्टेज फिल्ट्रेशन है, जब इसको चलाते हो ना आप ऐसे देखो मेरे बाल हो गए, तो जो हवा निकलती है ना, मोस्टली वैक्यूम क्लीनर्स में क्या होता है, उसमें भी थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल्स रह जाते हैं, लेकिन इसका जो है ना यहाँ पे फिल्ट्रेशन इतना ऑसम है कि ये जो हवा निकल रही है यहाँ से वो भी बिल्कुल
डस्ट प्रूफ होती है, सो कहीं से भी आपके नोज में, ब्रीदिंग में डस्ट पार्टिकल्स नहीं जाएगा। इसका LCD स्क्रीन जो बताता है इसके जो डिफरेंट मोड्स हैं, जैसे ये है आपका इको मोड, ठीक है, ये है आपका मीडियम और ये है आपका बूस्ट। सो थोड़ा कम पावरफुल मीडियम या फिर ऑटो मोड पे ये चलता है बीच वाला, और जो बूस्ट है बिल्कुल पावर पैक है, मतलब कुछ भी उठा लेता है, पूरा का पूरा सोफा साफ कर देता है। टाइम भी दिखाता है, अगर मैं इको मोड पे यूज करूँ तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है 70 मिनट वर्क करेगा। मैं मोड चेंज करूँ, मीडियम मोड पे करूँ तो ये करेगा 40 मिनट वर्क। मैं अगर बूस्ट मोड पे करूँ तो ये चलेगा सिर्फ 9 मिनट। तो 70 प्लस मिनट जो इसमें चलता है वो 9 मिनट इसमें चलता है, बिकॉज इतना पावरफुली ये पूरा डस्ट जो है उसको निकाल लेता है। ये लैंग्वेज सिलेक्शन करने का भी है कि आपको ये किस लैंग्वेज में चाहिए, ये LCD स्क्रीन में वो है। इसमें दिखाता है आपको जब चार्ज होता है, पावर चला जाता है, वो दिखाता है कितना चार्ज हो गया है, कितना लगता यू नो कितना टाइम बाकी है चार्जिंग में। इसमें आपके अलर्ट्स भी आते हैं कि आपके कॉर्ड में कुछ फंस गया है तो उसका अलर्ट आता है, या फिर इसमें अलर्ट्स आते हैं कि आपको अगर ये क्लीन करना है यू नो तो उसका प्रॉपर अलर्ट्स आते हैं। सो दिस LCD स्क्रीन इज having every all that data। इस वैक्यूम क्लीनर का सबसे बेस्ट जो अटैचमेंट है, सबसे यू नो जिसको मैं कहूँगी कि जिसमें आपको ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है, वो है ये वाला। इसका नाम है, आप देखेंगे यहाँ पे, हाई टॉर्क। तो इसमें ना यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस साइन दे रखा है, सो उससे क्या होता है, ये एक्चुअली ऑटोमेटिकली यूज होता है। कैसे, आपका कारपेट से आप एकदम फ्लोर पे आ रहे हो तो आपको अटैचमेंट चेंज नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली सेंस करता है उसको। इसमें यहाँ पे सेंसर्स लगे हैं, सो ऑटोमेटिकली उसको सेंस करता है और वो ऑटोमेटिकली चेंज करता है इसका सेटिंग इस हिसाब से कि आप कारपेट से फ्लोर पे आ रहे हो तो वो चेंज हो जाता है उस हिसाब से। सिमिलरली आप वुडन फ्लोरिंग पे करते हो तो उस हिसाब से ये ऑटोमेटिकली अपने आप को चेंज कर लेता है, इसके जो यू नो इसके जो सेंसर्स है उसको सेंस कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको प्लस में करेंगे ना, जैसे मुझे कारपेट की बहुत अच्छे से क्लीनिंग करनी है, बिल्कुल इतना वैक्यूम उसका जो सील कर देता है पूरे कारपेट को, आप खुद ही फील करोगे उसको, बहुत टाइटली आपको हिलाना पड़ता है, स्मूथ है बट आपको वो पावर फील होगा, सारे डस्ट आ जाते हैं, बिल्कुल माइन्यूट माइन्यूट मिट्टी जो होती है वो निकल के आ जाती है। और थोड़ा आप इधर करोगे तो उसके जो होल्स हैं ये देखोगे आप, थोड़े यहाँ पे खुल गए हैं, तो इससे ये फ्लोर पे क्लीन करता है। और इसको हमको चलाना होता है ऑटो वाले मोड पे, और देखिए पूरा रोटेट हो जाता है ऐसे 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 ऐसे, तो बहुत इजी टू यूज है ये। ये पहला अटैचमेंट है, अटैचमेंट है कम्प्लीटली फ्लोर के लिए। सो ये देखिए, ये जो है ना, इसका और इसका, ये दोनों में ही ये जो दिख रहे हैं आपको, ये इजीली निकल जाते हैं और आप उसको क्लीन कर सकते हो। ये है प्रॉपर फ्लोर के लिए, आपका फ्लोर की क्लीनिंग के लिए। नेक्स्ट अटैचमेंट है ये कॉम्बिनेशन वाला, ये जनरली आपका डस्टिंग या फिर बहुत मल्टीपर्पज है, ये डस्टिंग में यूज होता है आपका। इसको अगर मैं यहाँ पे प्रेस करके ऊपर कर दूँ तो ये वाला पार्ट है, इससे भी आप प्रॉपर वो मकड़ी के जाले वगैरह वो सब निकाल सकते हो आप। बच्चों के खिलौने हैं यू नो, उसके ऊपर मिट्टी जम जाती है, आप उसको इससे क्लीन कर सकते हो। सो दिस इज कॉम्बिनेशन वाला पार्ट। नेक्स्ट है जो अटैचमेंट है वो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि काफ़ी बार डेलिकेट सामान होते हैं, जैसे कांच हो गया, ऊपर जो घड़ी होती है हमारी वो हो गई, जैसे मेरे यहाँ पे बड़ा सा एक मिरर है वो हो गया, उनको साफ करते हुए डर लगता है कि स्क्रैच आ जाएगा, लेकिन इसके ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट हैं और ये डायरेक्ट यू नो अगर आप साफ करते करते ब्रिसल्स दब भी जाए तो ये यहाँ पे टच होता है, और ये बहुत एक सॉफ्ट पैड है जिससे आपके किसी भी डेलिकेट आइटम में ना स्क्रैच नहीं आएगा। फिर है ये, इससे मैं आराम से पूरे कर्टन्स जो है, खड़े खड़े पूरे कर्टन्स जो है उसको आराम से मैं क्लीन कर सकती हूँ और मेरा मैट्रेस क्लीन। सारे अटैचमेंट्स आप कहीं भी यूज कर सकते हो, इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू कि आप कैसे यूज करते हो। ये है जिससे मैं करती हूँ अपना सोफा, बहुत ही इजी टू यूज है और बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है। अच्छा, ये क्रेविसेस के लिए, जैसे आपके सोफे के कॉर्नर्स हो गए वहां के लिए, आपके जहां पे आप जो पहुंच नहीं सकते, फिर ब्रशेस मोटे होते हैं वो पहुंच नहीं सकते, वो कोई भी एरिया आप इससे यू नो आराम से एंटर करके उस एरिया में आप आराम से इसको क्लीन कर सकते हो उसको। आते हैं इसमें ये तीन अटैचमेंट्स कि आपको कैसे यूज करना है। ये सब मोटर जो मेन उसका हेड है, वैक्यूम हेड, उसमें जाता है। अब इसको आप यहाँ पे लगाओ या फिर वैक्यूम हेड में डायरेक्ट लगाओ, सिमिलरली ये सब जगह लग जाते हैं, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। ये तो आपको पता है जनरली जो हम यूज करते हैं स्टिक लगा के, ये बहुत अच्छा चीज़ है, जैसे फैन हो गया या फिर ऐसे चीज़ें जहाँ पे आपको ना टर्न करके क्लीन करना पड़ता है, तो इस पर आप कोई सा भी हेड लगा दीजिए। सपोज मैं ये लगाती हूँ, ये ऐसे कर दिया मैंने, लॉक हो गया। अब ये देखिए, ये ऐसे ऐसे आप कहीं पे भी उसको क्लीन कर सकते हो। फाइनली ये वाला है एक अटैचमेंट जो बहुत ही अच्छा, आप डस्टिंग करते हो काफ़ी बार, आपको यू नो आगे पीछे नहीं कर पाते हो, आराम से इस पर आप कोई भी अटैचमेंट। नेक्स्ट है इसमें ये चार्जर,
ठीक है। और ये है, आप इसको वॉल पे माउंट कर सकते हो जिससे आप इजीली निकाल सकते हो और लगा सकते हो और ये अटैचमेंट में ऐड कर सकते हो। आई मीन अभी लॉकडाउन लगा है तो मैं इसको माउंट नहीं कर पाई वॉल पे। मैं यहाँ पे एक फोटो शेयर कर दूंगी तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा। तो स्क्रूज वगैरह भी यहीं पे प्रोवाइड किए हुए हैं। ओके ये हो गया। अभी ये आता है आपके 2 ईयर्स के वारंटी के साथ और वो है, देखिए आपको ये स्कैन करना होता है, यहाँ पे भी इनफैक्ट उसके बारे में दे रखा है और मैनुअल बुक है इसमें तो आपको आराम से पता लग जाता है कि कैसे यूज करना है। बहुत इजी है असेंबलिंग इसकी। इसमें डस्ट ऐसे आप इसको स्वाइप डाउन करोगे तो सारा डस्ट, देखो ये पूरा डस्ट यहाँ पे आ गया। आप देख रहे हो कितने माइन्यूट माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये अपने झाड़ू से उठते ही नहीं है, हवा में उठते रहते करके ऊपर कर दो तो ये क्लोज हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये पूरा पिक करेगा। ये देखिए पूरा साफ। सो फ्रेंड्स ये था मेरा डिटेल रिव्यू। मैंने इतने डिटेल में इसलिए बोला कि आप में से एक भी अगर इंटरेस्टेड होगा इसमें यू नो तो इट विल हेल्प यू। जैसे मैंने भी बहुत रिव्यू वीडियोस देखे थे और बिल्कुल बेस्ट पार्ट है यार, हिडन जो भी पार्टिकल्स है ना डस्ट माइन्यूट पार्टिकल्स निकाल लेता है। और ये है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक छोड़ दूंगी और डिटेल आपको चाहिए होंगे इसके बारे में तो आप वहां से पता कर सकते हो। इतने वॉर्स ये दोनों क्या देख रहे हैं क्या देख रहे हैं क्या देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, आयरन मैन। आजकल तो भाषण अन्या का दोपहर का यही टाइम पास है, दोपहर और शाम का क्या एवेंजर सीरीज, नहीं एवेंजर नहीं क्या बोलते हैं इसको, मार्वल सीरीज। अभी बन रही है हमारी शाम की चाय जो सुभाष मेले बना रहे हैं और इन दोनों के लिए छाछ मैं बना रही हूँ। बाटर सिस्टम चल रहा है, बाटर सिस्टम। तुम मुझे चाय दो मैं तुम्हें छाछ दूंगी, है ना सुभाष, क्या बोलता है? मेरा नाम ही सुभाष चंद्र बोस है, जिसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आधा ही दूंगा। मैं बोला तुम मुझे छाछ दो मैं तुम्हें चाय दूंगा। वाह यहाँ पे चल रहा है, हम सबका अपना अपना काम। सुभाष का चल रहा है उधर IPL, आयना का चल रहा है स्कूल का काम और मैं करने बैठी हूँ एडिटिंग। सो आज का व्लॉग यहीं पे एंड। वो क्या होता है पौड़ी? कुछ भी। तो चलो आज का ब्लॉग खत्म करती हूँ। कमेंट जरूर करना, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और सब्सक्राइब करो अगर आप न्यू हो हमारे चैनल में। और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। और यस अभी बहुत सिचुएशन खराब है तो प्लीज यू ऑल टेक केयर, एक्स्ट्रा सेफ रहिए, ध्यान रखिए अपना। चलो बाय एंड टेक केयर, बाय।